हेलो दोस्तों, वेलकम टू रेशमा की रेसिपी। आज मैं रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन कोरमा की रेसिपी बनाने जा रही हूँ। तो इसके लिए मैंने ये 1 किलो चिकन ले लिया है और मैं ये कढ़ाई में तेल डाल रही हूँ। मैंने थोड़ा तेल डाला है, थोड़ा घी डाला है, आप अपने हिसाब से तेल घी डालें। और ये मैंने कुछ खड़े गर्म मसाले ले लिए थे सारे, वो मैं इसमें डाल दूँगी तो हमारे गर्म मसाले फ्राई हो जाएंगे। तो उसके बाद हम इसमें चिकन डाल देंगे। अब हम इस चिकन को 1-2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे इसी तेल में। और तेल में फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें 1 चम्मच ये पिसा हुआ नमक डाल लेती रही हूँ, आप अपने हिसाब से डालें नमक। ये मैंने 1 कटोरी अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। पेस्ट डालने के बाद हम इसको अच्छे से भूनेंगे और फ्राई करेंगे, इसमें पकाएंगे। तो ये 2-3 मिनट के लिए, हमें 3 मिनट के लिए पकाना है। फिर उसके बाद में इसमें ये 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च और 1/2 चम्मच मैंने पिसी हुई हल्दी डाल दी है इसमें। इसके बाद हम इसको अच्छे से पकाएंगे कम से कम 5-7 मिनट के लिए। तो ये अच्छे से पक रहा है। जब तक ये पक रहा है तब तक इसमें मैं काजू और बादाम का पेस्ट डाल दूँगी। और काजू और बादाम का पेस्ट डालने के बाद हम जब तक अपना ये मसाला तैयार कर लेंगे। तो मैंने ये 1.5 ग्राम दही लिया है जिसमें मैंने 1/2 चम्मच पिसी हुई हल्दी और इसमें मैंने 2 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च डाली है, क्योंकि मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च पहले ही उसमें डाल दी है, आप अपने हिसाब से लाल मिर्च डालें। और ये 2 चम्मच मैंने पिसे हुए धनिया डाले हैं इसमें और ये 1/2 चम्मच मैंने पिसा हुआ गर्म मसाला डाल दिया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि हमारे एक भी लम्स ना रह जाए, इसको अच्छे से हमको मिलाना है। तो ये थोड़ा गाढ़ा हो चुका है तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से बैटर बना रही हूँ इसका। तो हम इस बैटर को इस चिकन में डाल देंगे और इस बैटर को डालने के बाद चिकन में हम इसको अच्छे से पकने के लिए रख देंगे। अच्छे से चलाएंगे पहले इसको, फिर इसको अच्छे से पकाएंगे। तो हमें इसको 10 से 15 मिनट तक पकाना है, जब तक हमारा चिकन गल ना जाए तब तक हमें इसको पकाना है। तो मैंने ये पिसी हुई प्याज है जो मैंने पहले ही तेल में फ्राई करके रख दी थी और उसको मैंने पीस लिया था, बैटर बना लिया था, पीस के पेस्ट बना लिया था उसका। तो अब मैं इसमें चिकन में ये प्याज मैंने डाल दी है और डालने के बाद इसको मैंने पकने के लिए रख दिया है। जब तक मैं यहाँ पे थोड़ा सा तड़का बना लूँगी तो उसके लिए मैंने 2 चम्मच देसी घी लिया है, उसमें मैंने ये मखाने डाल दिए हैं। जब हमारे मखाने फ्राई हो जाएंगे अच्छे से तो हम इसमें उठा के डाल देंगे इसको, चिकन को। तो ये मैंने थोड़ा सा जावित्री और जायफल और छोटी इलायची तीनों को पीस के मसाला बनाया था वो मैंने इसमें डाल दिया है। और ये मैं थोड़ा सा गुलाब जल डाल रही हूँ जिससे कि इसमें अच्छी खुशबू आती है। तो हमारा देखिए चिकन रेडी हो चुका है, आप भी अपने घर में बनाएं और ट्राई करें और मुझे बताएं कि ये कैसा बना है।